तीन घंटे तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक, प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी को लेकर हुआ मंथन, केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग की। प्रदेश में कोविड 19 के मद्देनजर मंत्रियों को भी जिलेवार जिम्मेदारी दी जाएगी। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर भी हुई कैबिनेट में चर्चा, पहले केंद्र सरकार पर बनाया जाएगा लगातार दबाव, अगर केंद्र नहीं मानता है फ्री वैक्सीनेशन की मांग तो फिर राजस्थान सरकार अपने स्तर पर लेगी फैसला। हालांकि सीएम गहलोत ने कैबिनेट में किया साफ, प्रदेश की जनता को किसी भी मेडिकल सुविधा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। कैबिनेट के बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, ऑक्सीजन और दवाई को लेकर केंद्र कर रहा है राजस्थान से भेदभाव, गुजरात को ज्यादा ऑक्सीजन और दवाई दी जा रही जबकि राजस्थान को जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन व दवाई नहीं मिल रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके, तो नरेश एक बार पूरी जानकारी भी दें और साथ ही इस अहम बैठक के बाद क्या कुछ अहम मुद्दे रहेंगे। आज से तीन घंटे तक जो है वो गहलोत कैबिनेट की बैठक चली है और बैठक का एकमात्र एजेंडा था कोविड को लेकर प्रदेश में उपजी स्थिति, चाहे वो ऑक्सीजन की कमी की बात हो या रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है उनकी कमी की बात हो, उसको लेकर लगातार मंथन हुआ और पूरे प्रदेश की स्थिति की चर्चा की गई कि किस जिले में क्या हालात है, कहाँ ऑक्सीजन की कमी सबसे ज्यादा है, कहाँ जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है और आने वाले दिनों के हिसाब से एक जो 30 अप्रैल तक कैलकुलेशन की गई है कि कितनी ऑक्सीजन की खपत है वो बढ़ जाएगी, कितने संक्रमित मामले हैं वो सामने आ सकते हैं मौजूदा दर को देखते हुए। तो ऐसे में केंद्र से मांग की गई है एक सुर में तमाम कैबिनेट के मंत्रियों ने कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है राजस्थान में उसके अनुसार उसको सुनिश्चित किया जाए, पूर्ति सुनिश्चित की जाए और जो दवाई है जिसकी कमी लगातार सामने आ रही है उस पर उसको भी उसकी पूर्ति की जाए। कैबिनेट की जो मीटिंग है उसके बाद में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो वैक्सीनेशन है वो अलग चीज है लेकिन जो दवाई है और जो ऑक्सीजन है जिसपे केंद्र का अधिकार है, केंद्र ने अपने नियंत्रण में लिया है, तो वो तो कम से कम जितनी डिमांड है राज्यों की उसके अनुसार पूर्ति की जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया बैठक के बाद में कि केंद्र सरकार जो आपूर्ति करने को लेकर भेदभाव कर रही है, गुजरात का उदाहरण देते हुए बताया कि गुजरात में जो है वो राजस्थान जितने ही कोविड पॉजिटिव मामले हैं लेकिन वहाँ 900 मेट्रिक टन ऑक्सीजन दी जा रही है जबकि राजस्थान में करीब 125-150 मेट्रिक टन ऑक्सीजन है उसकी आपूर्ति हो रही है। ऐसे ही रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी चर्चा हुई लेकिन बड़ी बात यह है कि कुल मिला के जो प्रदेश की जो स्थिति है जिस तरह से लगातार संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंता जाहिर की और अगर जो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है जितनी डिमांड है तो राजस्थान में स्थिति विकट हो सकती है। साथ में ये भी बताया गया कि जो जन जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत उसमें तमाम जो मंत्री उनकी सक्रिय भागीदारी हो और हर जिले के हिसाब से मंत्रियों को जिम्मेदारी भी दी जाएगी क्योंकि जन जागरूकता अभियान से ही जो है इस कोरोना के जंग से लड़ा जा सकता है। खासकर जो मास्क लगाने के लिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नया नारा दिया है नो मास्क नो मूवमेंट, वो किसको जमीनी स्तर पर लागू करना है इसके लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है कि वो तमाम जो जिलों के प्रभार वाले हैं उनमें इस अभियान को सफल बनाएं और साथ में जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी थे उनको भी कैबिनेट की बैठक में प्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया था और ये भी देखा गया कि जहाँ पे हालात ज्यादा विकट है वहाँ पे किस तरह से युद्ध स्तर पे काम में जुटा जा सकता है। जी नरेश, कहीं ना कहीं तमाम बैठके और ये तमाम कदम कहीं ना कहीं प्रदर्शित करते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आमजन के लिए कितना चिंतित हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेश हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी बात।